वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रजिंदर कौर। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। सो आज हम जा रहे हैं टोरंटो। सो बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं बाहर। लास्ट हमारा ट्रिप था मॉन्ट्रियल का, अब हम उसके बाद जा रहे हैं टोरंटो टू फॉर क्रिसमस एंड एवरीथिंग। मैंने सुना वहाँ पे डेकोरेशंस बहुत अच्छी रखे हैं एवरीथिंग। यश गया है अभी गाड़ी लेने, क्योंकि उसको ऊपर है गाड़ी, मैं नीचे वेट कर रही हूँ सामान के साथ। बहुत सारा सामान है गाइस, 6 डेज का, यू नो गर्ल्स एंड लगेज दे आर को रिलेटेड। तो मैं आपको घुमाऊंगी मेरे साथ टोरंटो, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत सारा खाना खाने के लिए। ऑटोवा में इतना इंडियन खाना नहीं मिलता है, एंड आई हर्ड कि टोरंटो में बहुत अच्छा इंडियन खाना मिलता है। सो हम 2 दिन डाउनटाउन रह रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू नायग्रा फॉल्स एंड एवरीथिंग। तो हम सब कुछ कवर करने वाले हैं टोरंटो में। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स जो टोरंटो के हैं वो पसंद आए, और अगर आपको आप फन कर रहे हो मेरे ब्लॉग्स के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे को 90% लोगों का नोटिफिकेशन जो मुझे दिखता है वो ये है कि दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बट दे आर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। इट्स ओके गाइज, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलो चलते हैं टोरंटो। यश, यू वांट टू से हाय? वेयर आर यू गोइंग? यू आर टेकिंग मी टू टोरंटो। आई एम टेकिंग यू और यू आर टेकिंग मी? ओके गाइज, अभी हम आए हैं टिम हॉर्टन टू ग्रैब कॉफी। ऑफकोर्स ट्रिप स्टार्ट, कॉफी स्टार्ट, और अभी बहुत लंबी ड्राइव है हमारे सामने। कितने घंटे लग जाएंगे हमें? अराउंड 4.5 आवर्स, तो आई वुड से 5 और 5.5, तो मतलब 6 घंटे मान के चले लग ही जाएंगे। ब्रेक लेते लेते एक दो ब्रेक तो कर। चलो गाइस, चलो करते हैं ड्राइव, एंजॉय। जस्ट वन मीडियम कैपेचिनो विद वन शुगर। जोकिंग मतलब यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर ब्रिक वाले होते हैं थोड़े।
नाइस ऑब्जर्वेशन यार. हाँ मतलब तेरे को ज्यादा पता होगा, यू आर हेयर फ्रॉम पास्ट. गाइस बाकी फ्रेशको पे सिर्फ फ्रेशको लिखा होता है, इस वाले फ्रेशको पे लिखा है चलो फ्रेशको. पंजाबी टच देने के लिए, और आई एम नॉट श्योर कोई और लॉजिक भी हो सकता है इसके पीछे. हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं. लुधियाना किचन, लुधियाना किचन. आई नो वो वाला मीम नहीं सुना तूने? नहीं ब्रो, एथे लुधियाना है उथे लुधियाना है, ये सेम द लुधियाना तो लुधियाना. रेडी वाली इंडिया पहुंच गए हम, जल्दी से अब खाना खाएंगे. फाइनली वी आर हियर. और यहाँ का मेन्यू अमेजिंग, वेज थाली, वेज बिरयानी, एवरीथिंग वेज जो यहाँ पे मिलता है, और उसके साथ पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सब कुछ है. उसका मेन्यू का मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं डाल दूँगी वीडियो. हमने ऑर्डर किया है पापड़ी चाट और वन नॉन वेज थाली, जिसमें जो चिकन है वो मैं नहीं खाऊँगी, वो यश खाएगा. तो यश को चिकन ट्राई करना है. सो गाइस पापड़ी चाट इज हियर, सो लेट्स ट्राई दिस. पापड़ी चाट आ गई है, ट्राई करते हैं कैसे, मेरे से वेट नहीं हो रहा, ट्राई करते हैं. मैं तो बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ही यम्मी है, बहुत फ्रेश है और टेस्टी बहुत ही सही है. अगर आपको खाने का बहुत शौक है आपको ये जरूर विजिट करना चाहिए. मैं रुक नहीं रही, मैं खाए जा रही हूँ. गाइस चिकन थालीज थे, इसमें है दाल, चिकन, एक वेज आइटम, गुलाब जामुन. आप देख लो सब कुछ जो भी है. इसमें बटर थोड़ा ज़्यादा है, बट मैं फिर भी खाऊंगा क्योंकि मैं जानता रहा हूँ. चलो, माय हस्बैंड इज अ बिट फ्रीक, फिटनेस फ्रीक अबाउट. आई विश दैट्स ट्रू. वर्ल्ड ओके. जबरदस्त, अच्छा है. एक्चुअली क्या होता है, चिकन फिर भी टेस्टी होता है बट करी जो होती है ना वो मैटर करती है, और ये करी बहुत सही है. लुक एट दिस करी गाइस. चलो मैं भी फटफट खाती हूँ. मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आया. इतना खाली है, थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते. क्या है ये? चाय, गर्मा गर्म चाय. मज़ा आ गया, मतलब जो इलायची और अदरक होती है ना, यूजली कनाडा में चाय इतनी अच्छी मिलती नहीं है, बट ये वाली बहुत सही है, तुम भी पियो. श्योर. अच्छी है चाय, पर मैं थोड़ी सी कड़क पीती हूँ. सो गाइस खाना पीना हो गया है, चाय भी पी ली है, अब हम चलते हैं अपने रूम. हमें चेक इन करना है, हमारा टाइम था 4 बजे बट हमें बच गए अभी 5:30. तो वहाँ जाके दिखाती हूँ मैं आपको अपना रूम. बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस, जस्ट चेक दिस आउट, अमेजिंग. दैट्स वॉचर सेंटर एंड सीएन टावर एंड बिल्डिंग्स गाइस, कितनी प्यारी लग रही है लाइटिंग एंड एवरीथिंग. बहुत ही अमेजिंग व्यू है. बहुत ही अमेजिंग है इनका क्रिसमस ट्री और ये डेकोरेशन, भाई कितनी अच्छी आ रही है ना. तो गाइस हम पहुंच गए हैं टोरंटो डाउनटाउन, और हम अभी रुके हैं यहाँ पे हॉलीडे इन में. यहाँ पे हमने 2 दिन रुकना है, 2 नाइट्स का हमारा स्टे है.
But guys, look at this. गाइस द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे पार्किंग फ्री है जो कि बहुत बड़ा पेन होता है अगर आप डाउनटाउन में रह रहे हो तो पार्किंग का बहुत पैसा लग जाता है, तो हॉलीडे इनकी पार्किंग है वो फ्री है। और दूसरी चीज़, ये रूम हमें दो दिन के लिए विद ब्रेकफास्ट पड़ा है 270 डॉलर का। तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अभी के लिए रेस्ट करते हैं, बहुत थक गए हैं, पूरा दिन ट्रैवलिंग किए। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। दिस इज़ आवर टेबल। द व्यू इज़ इनसेन।